सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। हे व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स यहां पर ना मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं Redmi Note 5 या Redmi 5 Plus कह सकते हैं, उसके साथ यहां पर बात आ जाती है Redmi 5 की और Redmi 5A की। तो यार यहाँ पर ना काफ़ी यूज़र्स एक तरह से पूछ रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर ये जो फ़ोन्स हैं इनमें स्टेबल अपडेट जो अब अगस्त में मिलने वाली है या सितंबर में मिलने वाली है, या आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेबल अपडेट हमें इन फ़ोन्स में कब तक देखने को मिलेगी, कौन से फ़ीचर्स होंगे, कौन सा वर्जन का नाम होगा और उसके साथ कब तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ना यार सारी डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगर तो यार वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आपके लिए आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भाई यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जाकर अपनी अपडेट को लेकर। तो यहां पर यार फर्स्टली मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा रेडमी नोट 5 या रेडमी 5 प्लस की अपडेट को लेकर। तो यार यहां पर बात आ जाती है लास्ट अपडेट की। लास्ट अपडेट जो हमारे पास रही है वो रही है 10.2.3.0 की, और जो अपकमिंग अपडेट है मतलब कि जो यहां पर अपडेट आने वाली है वो रहने वाली हमारे लिए MIUI 10 3.1.0 की। तो भाई यहाँ पर अब आ जाती है बात फीचर्स की कि भाई ये जो फीचर्स हैं ये हमें इनमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो यार यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी लेवल पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा, बैटरी फिक्सेस देखने को मिल जाएंगे, टच प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ फ़ोन्स में हो रहे हैं, मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे तो यहाँ पर इन्हें भी फिक्स किया जा सकता है। उसके साथ ऑटो रिबूट जो है उसे भी फिक्स किया जाएगा, और उसके साथ हैंगिंग प्रॉब्लम जो है उसे भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो यार यहाँ पर ये छोटे छोटे जो बग्स हैं ये हमारे फ़ोन्स में देखने को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से ये जो अपडेट्स हैं हमारे लिए शायद बहुत बेस्ट रहने वाली हों। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो अपडेट है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, ये जो अपडेट कब तक देखने को मिलेगी इसको कर लेते हैं ज़रा सा साइड पे। पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी 5 डिवाइस को लेकर। तो यार रेडमी 5 डिवाइस की आप सभी को पता होगा कि भाई जो लास्ट अपडेट रही है वो रही है 10.3.2.0 की, और जो अपकमिंग अपडेट है वो रहने वाली है 10.3.3.0 की। और अगर मैं इसके फीचर्स की अगर बात करूँ कि भाई फ़ीचर्स इसमें कौन कौन से मिलेंगे, तो सिक्योरिटी लेवल पेज फिक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि वोल्टेज प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है काफ़ी मतलब महीनों से, शायद वो भी इसमें अब फिक्स कर दी जाए, मगर चांसेस काफ़ी हैं। और उसके साथ यहाँ पर आ जाती है हीटिंग प्रॉब्लम और उसके साथ हैंगिंग प्रॉब्लम। तो यार जाहिर सी बात है काफ़ी देर से हमें अपडेट देखने को नहीं मिली तो बग वगैरह हमारे फ़ोन में आ जाते हैं, जैसे कि हीटिंग प्रॉब्लम और हैंगिंग प्रॉब्लम, ये तो बग आने ही होते हैं। और उसके साथ यहाँ पर आ जाती है Redmi 5A की बात। तो यार Redmi 5A में जो हमें अपडेट देखने को मिली थी लास्ट वो थी 10.3.2.0 की, और जो आने वाली अपडेट है वो रहने वाली है 10.3.3.0 की। और उसके साथ यहाँ पर न्यू फीचर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी लेवल पेज और बग फिक्स ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है इन अपडेट्स को लेकर कि भाई ये जो अपडेट्स हैं देखने को मिल जाएंगी, फीचर्स भी जो जो भी हमें देखने को मिलेगा। तो यार इसकी बात अब आती है कि भाई हमें कब तक देखने को मिलेंगी ये जो अपडेट्स हैं। तो भाई Redmi Note 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो अपडेट है ये आपको देखने को मिलेगी अगस्त के एंड में, या शायद अगस्त की 20 से या 25 डेट के बाद में आपको ये अपडेट जो है रोलिंग आउट होती स्टार्ट दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर जो रूमर्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह आ रहे हैं कि 10 डेट के बाद या 15 डेट के बाद आएगी, मगर मेरा ओपिनियन खुद का ये कहता है कि भाई आपको जो 20 या 25 डेट के बाद ही आपको रोलिंग आउट होती स्टार्ट दिखेगी, शायद ही शायद। और उसके बाद मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा Redmi 5 डिवाइस की अपडेट को लेकर। तो यार यहाँ पर ये जो अपडेट है आपको पता होगा Redmi 5 और Redmi 5A की अपडेट जो है वो जब भी आती है तो बस एक दो दिन का डिले होता है, ज़्यादा डिले हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इनकी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर या तो अगस्त के एंड में देखने को मिलेगी या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। अगर तो भाई अगस्त के एंड में देखने को मिलती है तो आपको यहाँ पर जो Redmi 5A डिवाइस होगी उसमें सितंबर में देखने को फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। अगर तो Redmi 5 को देखने को मिल जाती है सितंबर में तो आपको फिर सितंबर के मिड में भी आपको Redmi 5A में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देर हो जाती है। आपको पता होगा अगर तो भाई यहाँ पर जो Xiaomi का शेड्यूल होता है हमारी अपडेट को लेकर, अगर तो वो सही से अपना काम चल रहा है उसके ऊपर, तो हमें जो अपडेट हैं वो हमें अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इस तरह से हमें देखने को मिल जाएंगी फ़ोन्स में। अगर तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इनको लेकर, क्योंकि आए दिन ही प्रॉब्लम आई रहती है इनकी, तो फिर यहाँ पर यह थोड़ी लेट भी हो सकती है। मगर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अपडेट्स हैं ये एक्सपेक्टेड डेट हैं, खुद से जो एक्सपेक्ट की गई हैं कि हमें जहाँ पर चांसेस लगते हैं कि हमें ये जो अपडेट इसमें देखने को मिलेगी ये वो अपडेट्स हैं।
अब आप यहाँ पर ये मुझे मत कमेंट कीजिएगा कि भाई यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने झूठ बोला है। भाई मैं यहाँ पर ना तो झूठ की बात कर रहा हूँ ना सच की, मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई है अपने माइंड की कि भाई, क्योंकि एक तरह से बंदे को पता होता है, मतलब जो बंदा जिस फील्ड में काम करता है उसे पता होता है कि शायद इस डेट को अपडेट आ सकती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट्स ही हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर तो यार आपको भी लगता है कि अपडेट इसी डेट को देखने को मिलेगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।